आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। होली और शबे बारात निकट है, जिसको लेकर थाना सजे की पुलिस बेहद सक्रिय है। जहां पुलिस विभाग ने आम ग्रामीण जनता को होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जागरूक किया, वहीं होली में शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश हैं, अगर ऐसे कोई लोग हुड़दंग करते हुए दिखाई दिए तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। अधिकांश ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा नशा करके हुड़दंग करने की बात देखी जाती है त्योहारों पर, जिसको देखकर इस बार शासन ने त्योहार पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की चेकिंग भी की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही होगी। 2 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपयों का जुर्माना इस सजा के तौर पर तय किया गया है। जहाँ पर थाना अध्यक्ष नीरज बाबू के द्वारा ग्रामीणों में जनता को नशा न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं लोगों को होली का त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से मनाने की चेतावनी दी गई। हमने उस चुटकी भर से आपको तिलक किया तो आपका भी फर्ज बनेगा चुटकी भर के हमें तिलक करो, मतलब जैसा मेरा रंग है वैसा और समानता। अब हम बात करते हैं कि जो भाईचारे की, तो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन पहले हम जो देखा करते थे छोटे थे तो हम लोग पूरे गांव में जाते थे, पूरे गांव में, और हर व्यक्ति एक दूसरे के गले मिलता था। गले मिलने का तात्पर्य है कि जो हमारा दिल है वो आपके दिल से मिल रहा है, मतलब हमारे विचार आपके विचार से यदि मिल रहे हैं तो हम एक दूसरे के विपरीत कभी जा ही नहीं सकते। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना होता है त्योहार को मनाने, इसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम आपस में वैमनस्य निकालें। कानपुर से रावेंद्र यादव की रिपोर्ट।